अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं मुशाहिद, और आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट पैटर्न एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल स्टेट। देखिए, क्लाइमेट पैटर्न किसे कहते हैं? क्लाइमेट की अगर पीरियडिकली एक आर्डर के साथ प्रॉपर्टीज चेंज होने को हम क्लाइमेट पैटर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, सर्दियों में रातें लंबी हैं, गर्मियों में दिन बड़े हैं, तो ये क्लाइमेट पैटर्न है। एक मखसूस टाइम के बाद रातें बड़ी हो जाते हैं, एक मखसूस टाइम के बाद दिन बड़े हो जाते हैं। अगर आप नॉर्वे की बात करें, जो पोलर एरियाज में आते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ तकरीबन 6 महीनों की रात है, 6 महीनों के दिन है। तो एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे कि लोकल स्टेट पे क्या है, रीजनल स्टेट पे क्या है और ग्लोबल स्टेट पे क्या है। लोकल स्टेट में मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान के किस एरिया में वेदर कैसा है और ऐसा क्यों है। रीजनल में मैं डिस्कस करूंगा पाकिस्तान के रीजन में जो एरियाज हैं, जो स्पेशली सार कंट्रीज हैं, उनका वेदर कैसे है। और फिर ग्लोबल में हम ओवरऑल वेदर को, पूरी दुनिया के वेदर को डिस्कस करेंगे, क्या वेदर है और कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। इस डिस्कशन को बढ़ाने के लिए आपको दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक क्लाइमेट है, एक वेदर है। मैं एक शेर सुनाता हूँ। शेर ये है, मुझको फुर्सत ही कहाँ है कि मौसम सुहाना देखूं, मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तो जमाना देखूं। मौसम कहते हैं वेदर को, और क्लाइमेट का उर्दू तर्जमा है आबो हवा। शायर ने ये क्यों नहीं कहा, मुझको फुर्सत ही कहाँ के आबो हवा को सुहाना देखो, उसने मौसम को सुहाना कहा। तो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जो शायर शोरा हजरात होते हैं, वो कभी क्लाइमेट की बात नहीं करते, वो वेदर की बात करते हैं। तो अभी क्या है वेदर और क्लाइमेट में फर्क? देखें, वेदर जो शॉर्ट कंडीशंस ऑफ एटमोसफेयर है, उसे वेदर कहते हैं। ठीक है, वेदर एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है। वेदर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अपना अपने घर के विंडो से बाहर देखें, कभी आपको लग रहा है कि मौसम क्लाउडी है, बारिश होने वाली है, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा वो सूरज आग बरसाने लग गया, फिर थोड़े बाद लग सकता है कि आपको बारिश आने वाली है। तो ये क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल है। और ये शॉर्ट एरियाज के लिए किस तरह है कि देखें, आप लाहौर में हैं तो जो लाहौर का वेदर है वो कुछ और है, आप कोकाड़ा में आ जाए उसका वेदर कुछ और है, मरी में चले जाए उसका। अब जो सात सात सिटीज हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट उनका जो वेदर है, उनके जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जो वेदर होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लिमिटेड एरिया के लिए होता है, और टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अब फॉर एग्जाम्पल, गर्मी पड़ रही है फुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और अचानक बारिश होना स्टार्ट हो जाती है 2 मिनट में, तो क्या है, तो इसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो आपको वेदर समझ आ गया। अब क्लाइमेट क्या है, आबो हवा क्या है? लेकिन जो वेदर के अगर हम लॉन्ग ऑब्जर्वेशन करें तो वो क्लाइमेट बन जाता है। मतलब अगर पाकिस्तान को हमने, पाकिस्तान के अगर वेदर की बात करें, पाकिस्तान में 4 सीजन है, ठीक है, विंटर, समर, ऑटम, ये वो। तो अब हर साल एक मखसूस वक्त पे सर्दियां आती हैं, विंटर होता है, गर्मियां आती हैं, ऑटम आ जाता है। इसको जब लॉन्ग ऑब्जर्वेशन करते गए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, जब देखा उन्होंने कि हर साल इस टाइम पे सर्दियां, इस टाइम पे विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो उसने कह दिया कि ये जो वेदर है आप इसका क्लाइमेट बन चुके। पाकिस्तान का क्लाइमेट ऐसा है कि उसमें 4 सीजन आएंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट सीजनल चेंज को कहते हैं। क्लाइमेट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मतलब एक मखसूस टाइम के बाद सर्दी आएंगे, एक मखसूस टाइम के बाद गर्मी आएंगे, एक मौसम में बाहर खिजां आ रही है ना, तो एक डेफिनेट टाइम के पास आ रहे हैं, तो क्लाइमेट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जबकि वेदर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। अब क्लाइमेट को हम मेयर कैसे करते हैं कि किसका क्लाइमेट कैसा है? हम 3 फैक्टर्स हैं, हम देखते हैं कि वहाँ एवरेज रेनफॉल कितनी हो रही है, मतलब उस इलाके में एवरेज बारिश कितनी आती है, उसका एवरेज टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, उस क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो एरिया कितना इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग से। तीसरा है कि वहाँ का विंड पैटर्न क्या, हवाएं किस तरह चल रही हैं। देखें, आप क्लाइमेट पैटर्न समझना चाह रहे हैं, या आप किसी कंट्री की जियोग्राफी समझना चाह रहे हैं, या आप मैप रीडिंग करना चाह रहे हैं, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता होना चाहिए। जो आपके सर की जानब हमेशा नॉर्थ होता है, जो टॉप की तरफ हमेशा नॉर्थ है, चिन की तरफ हमेशा साउथ है। जो ऊपर कंट्रीज हैं वो नॉर्थ है, जो नीचे कंट्रीज हैं वो साउथ है, जो राइट पे हैं वो ईस्ट हैं, जो लेफ्ट पे हैं वो वेस्ट है। आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पर चल के हम जब कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज, तो पाकिस्तान के मैप में देखते हैं जो ऊपर वाले कंट्रीज हैं उन्हें नॉर्दर्न कह देते हैं, उनमें मरी आ जाता है, केपीकेश का इराक आ जाता है, इस्लामाबाद आ जाता है, तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। जब हम साउथ की बात करते हैं तो हम नीचे चले जाते हैं, जो कराची के एरियाज हैं, बलोचिस्तान के एरियाज हैं, ये साउथ हैं। हम कहते हैं हमारा बहुत प्यारा दोस्त इंडिया मशरक में है और
मगरी में उससे प्यारा दोस्त अफगानिस्तान है। बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब हम देखते हैं कि लोकल स्तर पे क्लाइमेट पैटर्न पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान के जो क्लाइमेट सीजन है वो फोर हैं। समर सीजन जो अप्रैल टू सितंबर है, विंटर सीजन अक्टूबर टू फेब है, स्प्रिंग सीजन मार्च से अप्रैल है, और मानसून अगस्त से ऑटम है। देखिए चौथा सीजन होता तो ऑटम है, मैं उसको मानसून से रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या वजह, क्या आपको पता है? पता है तो मुझे बताएं। अब जो पाकिस्तान है उसके पूरे एरिया में चार तरह के पैटर्न होते हैं, क्लाइमेट पैटर्न चार तरह के होते हैं। उन पैटर्न्स के नाम है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट प्लूटो, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लैंड और ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड। ये ट्रॉपिकल 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 आप समझ रहे हैं, तो अब ट्रॉपिकल क्या है, सब ट्रॉपिकल क्या है, पहले तो आपको इसका बताना चाहिए। देखिए जो वर्ल्ड है उसे जो आपका वर्ल्ड है ना उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो सेंटर है उसे आप कहते हैं ट्रॉपिक ट्रॉपिकल है। सेंटर से ऊपर जो एरिया है सब ट्रॉपिकल है, उससे ऊपर जो एरिया है वो टेम्परेट है, उससे ऊपर है जो पोलर है। तो दुनिया के तमाम कंट्रीज इन तमाम एरियाज में आ जाते हैं। जो पाकिस्तान आता है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अब ट्रॉपिकल किसे कहते हैं? वो एरिया जमीन का वो हिस्सा जहाँ सन की रेडिएशन डायरेक्ट पड़ेंगे हम कहेंगे ये ट्रॉपिक्स है, और वो एरिया जो जितने दूर होते जाएंगे और सन की रेडिएशन डायरेक्ट बिल्कुल सामने नहीं पड़ रही, तिथि पड़ रही है, एंगल पे पड़ रहे हैं, उन्हें हम सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन ये वो कहेंगे। तो आपको समझ आएगा जो पाकिस्तान है वो सब ट्रॉपिकल में। जो पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट है उसका नाम है पहला सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। सब ट्रॉपिकल समझ आ गया, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट कहते हैं। हाईलैंड किसे कहते हैं? हाईलैंड कहते हैं कि वो प्लेसेस जो टॉप पर हो जमीन पे ना, टॉप पर जो प्लेसेस हैं उन्हें आप कॉन्टिनेंटल हाईलैंड कहते हैं। मतलब आप मरी की बात करें, अब जमीन पे तो नहीं है, है तो जमीन लेकिन टॉप पे, इस्लामाबाद की बात करें पहाड़ों पे तो नहीं है लेकिन बुलंदियों पे, तो ऐसे एरियाज जो बुलंदियों पे होते हैं लेकिन जमीन का हिस्से से आप कहते हैं हाईलैंड। तो वो एरियाज, ये तमाम एरियाज जो जमीन पे हो लेकिन एट सम हाइट पे, उसे हम कहेंगे हाईलैंड। तो फर्स्ट कैटेगरी में पाकिस्तान के कौन से एरियाज आते हैं? वो हैं नॉर्दर्न हाईलैंड्स, वेस्ट माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंज ऑफ बलोचिस्तान। अगर हम इन एरियाज के क्लाइमेट की बात करें तो इनका जो समर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है और विंटर मॉडरेट। मरी की बात करें सर्दी में बर्फबारी होती है, कितनी ठंड होती है, और गर्मी में हम इंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। रेन्स कब होते हैं? विंटर के एंड में रेन स्टार्ट होते हैं और स्प्रिंग के स्टार्ट में रेन स्टार्ट होती हैं, और कुछ एरियाज हैं जहाँ पूरा साल ही बारिश होती रहती हैं। जो सेकंड क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान है उसका नाम है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लूटो। सब ट्रॉपिकल के पक्ष में, सब ट्रॉपिक्स पार्ट में, कॉन्टिनेंटल वैसे ही है। प्लूटो किसे कहते हैं? प्लूटो प्लेटो कहते हैं कि ये वो एरिया होते हैं जो होते माउंटेन्स पे हैं लेकिन इनके लाइक माउंटेन्स नहीं होते, वो प्रॉपर ग्राउंड बने होते हैं। जिस तरह हमारी ज़मीन पे पंजाब में, मुल्तान में, लाहौर में जिंद की आबाद है, इसी तरह उन पहाड़ों पे आबाद होते हैं। वहाँ वो प्रॉपर प्लेन ग्राउंड होते हैं, तो इन्हें प्लेटो कहते हैं। अब प्लेटो में कौन कौन से आ जाते हैं एरियाज? पोठोवार प्लेटो है, चागी है, नोरसिक है, वार्शक है, ये वो एरियाज हैं जो प्लेटो हैं। इनका क्लाइमेट कैसे होता है? एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई है, डस्टी विंड्स चलती हैं, और इनका क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई है, डस्टी विंड्स मई टू सितंबर चलती हैं, और जो डस्टी विंड है वो इनके एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पहचानी जाती हैं। और अगर इनमें रेंज की बात करूँ तो रेंज जनवरी और फरवरी में होते हैं। मैं इन दोनों में मैंने रेंज की बात किया क्योंकि मैंने आपसे कहा जो क्लाइमेट पहचाना जाता है वो एवरेज रेन फॉल की वजह से होता है। अब पाकिस्तान के हम थर्ड क्लाइमेटिक रीजन की बात करते हैं। पहले दो किसी न किसी माउंटेन से रिलेटेड थे, ये सिर्फ लैंड से रिलेटेड है। इसका नाम है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लैंड, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि जो इंडस रिवर है उसके अपर और लोअर प्लेन, उसके अपर और लोअर एरियाज, मतलब अपर एरियाज में पंजाब आ जाता है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, ये वो एरियाज, और लोअर एरियाज में आपके सिंध के एरियाज आ जाते हैं, कराची, हैदराबाद, घोटकी, सिंध इस घोटकी। अब देखिए, अब मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर की बात करें कि आपको कहीं पहाड़ नजर आते हैं? नहीं नजर आते ना, तो ये टोटल ये लैंड एरियाज हैं, यहाँ माउंटेन्स की स्टोरी है ही नहीं। यहाँ के अगर हम रेंज की बात करें तो मानसून में नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाकी जो एरियाज हैं वहाँ कम बारिश होती है। और क्लाइमेट की बात करें तो समर एक्सट्रीमली हॉट होता है, मुल्तान, बहावलपुर, अगर आप यहाँ गर्मी में आए ना आपको लग पता जाने, आप कहेंगे हमने मुल्तान नहीं रहना।
और जो फोर्थ रीजन है क्लाइमेटिक पाकिस्तान का, उसका नाम है ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड, कोस्ट लैंड। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, ये जो कोस्ट लैंड है ये ट्रॉपिक्स में आ जाते हैं। अब देखें ट्रॉपिक कोस्ट लैंड क्या होता है, अगर पाकिस्तान के कोस्ट लैंड की बात करें तो जो समंदर है अरेबियन सी है, जहां से टच होगा वही उनके कोस्ट लैंड होंगे ना। तो कोस्ट लैंड में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, कराची, गवादर, ओमारा, पिसनी और जियानी, जीवानी, ये वो तमाम एरिया जो कोस्ट लैंड में आते हैं। ये बड़े मजे के इलाके होते हैं यार, यहाँ मौसम तंग नहीं करता आपको। क्यों नहीं तंग करता, अगर इनकी क्लाइमेट की बात करें तो इनका जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट रहता है, 32 C, क्योंकि इनके साथ ओशन है, मोशन इनके साथ हीट एक्सचेंज करते रहते हैं। समर एयर्स सी टू और लैंड चलते हैं, और जब विंटर एयर्स हैं वो लैंड टू सी चलते हैं। अच्छा यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, जब सी टू लैंड एयर जाती हैं तब उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जब हवाएं समंदर से लैंड की तरफ आते हैं तब उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। रेन्स की बात करें, क्योंकि रेन्स तो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है क्लाइमेट की, तो इसमें यह है कि लस बेला रिसीव्स मोर रीजनल एयरफॉल इन विंटर। कुछ एरियाज हैं जहाँ एयरफॉल बहुत ज़्यादा है, कुछ कम है, जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनमें एयरफॉल कम है। अब पाकिस्तान के क्लाइमेट पैटर्न को कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के वेस्ट में एक एरिया है मेडिटेरियन, वहां से लो एयर प्रेशर क्रिएट होते हैं, वहां से एयर स्टॉर्म्स बनते हैं, एयर स्टॉर्म वहां से तुर्की में इंटर होते हैं, तुर्की से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं। हीट वेव्स हैं पाकिस्तान का इशू, आप सुनते हैं न्यूज में कि हीट वेव्स की वजह से इतने लोग समझिए, तो हीट वेव्स कैसे कहते हैं कि देखें जब आपकी एयर हीट है ना, एयर में ट्रैप हो, जो हीट एयर से ना निकल सके तो हीट वेव्स चलती हैं। मतलब होती एयर है, एयर में ट्रैप हीट है। इसके क्या फैक्टर्स हैं फिर कभी बताऊंगा आपको। थंडर स्टॉर्म्स पे एक फैक्टर है। थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं आपको, जैसे आसमान से लगता है कि लाइटनिंग फॉल हो रही है, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म क्यों होता है, जब भी वार्म एयर और कोल्ड एयर आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो इससे थंडर स्टॉर्म होता है। इसकी केमिस्ट्री भी पता है तो आप मुझे बताएं। फिर है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ट्रॉपिक से आपको स्टॉर्म्स आते हैं, फिर डस्ट स्टॉर्म्स हैं, कॉन्टिनेंटल एयर्स है, दूसरे एरिया से आपकी एयर आ जाती है, मूनसून अक्रेंस है, मूनसून होती है, और फोग अक्रेंस भी है। देखें फोग जब बढ़ती जा रही है। तो वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्लाइमेट पैटर्न एट रीजनल स्केल क्या है। और अगर आप CSS की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आप CSS अकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आप चीज़ें देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें इन अ प्रॉपर मैनर में मिल जाएंगी। अल्लाह पाक सबको सलामत रखें, आबाद रखें।